ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ପରେ प्राण रक्षाकारी एक्मो मशीन बर्तमान भुवनेश्वर एम्स को आई आम सीधा साल आपको दृश्य देखापी चाहेबू यही से एक्मो मेसीन जहाँ कि गत पखापाखी किस चर्चा रही चल आसी कारण अनेक गुरुतर रोगी जो मैंने कि जो भेन्टिलेटर में चिकित्सा संभव हो पार को बाध्य एयरलिफ्ट कर चेन्नई को पठा जाइक कोलकाता को पठा जाइपरी भावे से राज्य को चिकित्सित होते हैं कारण ओडा

तार कार्य माना चिकित्सा मध्य हो एकमो मशीन रोगी मानों आरंभ आरम्भ हो तो हमें आलोचना करवा अच्छे ये टेक्नीशियन तो जी आपको पहले तो ऑर्गस्ट न्यूज़ में स्वागत करते हैं तो ये एकमो मशीन बहुत वेटिंग के बाद या बहुत इंतजार के बाद एम्स में आया है भुवनेश्वर एम्स में पहले पेशेंट्स बाहर दूसरे राज्य में जाते थे वहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए इसका पहला काम क्या होगा मतलब कैसे इसको किस तरह के पेशेंट्स को इसमें ट्रीटमेंट किया जाएगा और कैसा काम होगा इसका पहले उड़ीसा के लिए बहुत खुश खबर है एम्स भुवनेश्वर इज़ द फर्स्ट इंस्टीट्यूट हमारे पास एक्मो मशीन अवेलेबल किया गया है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में एंड सेंट्रल इंस्टीट्यूट है सो तो हम लोग के पास जो मशीन आए थे बहुत सारा पेशेंट को यूज़ किया जाएगा अभी आप देख सकते हैं एकमो मशीन एक सिंपल सा मशीन है बट इसमें मेन कॉम्पोनेंट है दो कॉम्पोनेंट है एक इसको बोलता है कंसोल ये मशीन है इसमें जो हम लोग का जो मेन काम है जो ब्लड को सर्कुलेट करके प्योरीफाई करके उसको बॉडी के अंदर पहुंचा जाता है सो so वो ये मशीन है ऊपर वाला पार्ट कंसोल है इसमें आर के हिसाब से हम लोग दे सकते हैं या एल लीटर पर मिनट फ्लो हम लोग लीटर्स दो से 2.5, पॉइंट फाइव टू 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 पॉइंट फाइव लीटर्स हम लोग फ्लो रेगुलेट कर सकते हैं नहीं तो आर पी एम पंद्रह सौ के आसपास पास आर पी एम से शुरू करते हैं ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी कर सकते हैं और इसका नीचे है हमारा हीटिंग सिस्टम ये पेशेंट को ये हीटिंग सिस्टम है इसमें पानी लगाया जाता है और ये पेशेंट को टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए थोड़ा हेल्प करता है और ये पूरा मशीन सपोर्टिव मशीन है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपको जो सामने दिखाई दे रहा है ये वाला है इसको रोटा फ्लो ड्राइव बोलते हैं ये रोटा फ्लो ड्राइव और ये मैनुअल रोटा फ्लो ड्राइव ये मैनुअल है ये वाला मेन मशीन सपोर्ट है इसके 90 मिनट्स का बैटरी बैकअप है अगर कुछ पावर सप्लाई फेल क्या हो क्या तो, होता है ये रोटा फ्लो में क्या होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से ये एक्ट किया जाता है इस मशीन में एक सर्क्यूट लगा देते हैं वो सर्क्यूट से ब्लड अंदर जाके पुल करके बॉडी के अंदर हार्ट में जो काम करता है वो हार्ट का काम ये रिप्लेस करेगा बॉडी को सप्लाई करेगा जो ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो डी होता है उसको प्योरीफाई करके ये बॉडी में वापस भेज देता है सो वही काम है ये मशीन बेसिकली सपोर्टिव मशीन है अर्ली स्टेज में अगर हम लोग इसको लगाएगा तो अच्छा पेशेंट आउटकम हो सकते हैं ये गारंटी नहीं ये मशीन लगाएगा तो 100 परसेंट पेशेंट ये हो जाएगा ये एक थोड़ा गलत न्यूज़ है बट पेशेंट को बहुत अच्छा सपोर्ट करेगा राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेने से मशीन अच्छे से काम करेगा आप यहाँ पे देख सकते हैं मैनुअल यूनिट है, है सपोज़ पावर फेलियर हो गया तो ये मैनुअल यूनिट को हम घुमा सकते हैं ऐसा घुमाने से आपको यहाँ पर लाइट दिखाई दे रहा है देखिए इसमें बैटरी है इसमें ऑटोमेटिक है ये ग्रीन लाइट जो दिखाई दे रहे हैं, जितना फ्लो चाहिए उतना फ्लो के हिसाब से हम लोग रोटेट कर सकते हैं तो जब जब पावर नहीं होगा जब पावर सप्लाई करंट फेल हो गया शॉर्ट सर्किट हो गया कुछ गड़बड़ हो गया तो भी हम लोग इसको बचा सकते हैं मैनुअली रोटेट करके पेशेंट को जिंदा रख सकते हैं तो पूरा पहले तो ये हर किसी के मन में डाउट है कि ये किस तरह के पेशेंट्स को इसमें ट्रीटमेंट किया जाएगा मतलब कब एक पेशेंट को मशीन की ज़रूरत पड़ती है इसमें कॉम्प्लिकेटेड केसेस जो हार्ट का फंक्शनिंग ऑपरेशन के बाद ठीक से नहीं हो पाता है हार्ट रिकवरी नहीं कर पाता है उसी समय में लगा सकता है वो सर्जन डिसाइड करेगा जो ट्रीटिंग फिजिशन है कंसल्टेंट है वो डिसाइड करेगा सेकेंड थिंग अभी कोविड सीजन चल रहा है कोविड बहुत ख़तरनाक हो गया है कोविड का ट्रीटमेंट में भी इसको हेल्प हो जाता है इसमें लंग्स का प्योरीफाई करने में हेल्प कर देता है सो तो ये मशीन हम लोग को लंग का भी रिप्लेस कर सकते हैं हार्ट का भी फंक्शन रिप्लेस कर सकते हैं सो तो हम लोग कोविड पेशेंट से फेसिसिकली इसको लंग्स प्योरीफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है एंड बहुत सारा हॉस्पिटल्स में रिकवरी भी अच्छा है जो राइट टाइम पर डेसन लेगा तो अच्छा है बोल के अभी न्यूज़ चल रहा है एंड इट इज़ गुड

तो ये कब तक मतलब जब चालू हो जाएगा तब पेशेंट्स को इसमें ट्रीटमेंट किया जाएगा ये कौन सा डिपार्टमेंट में कैसे सब लगेगा ये एक्चुअली सी डिपार्टमेंट के अंदर ये मशीन लाया गया है सी डिपार्टमेंट कार्डियो एस एंड वेस्कुलर सर्जरी डिपार्टमेंट है ये आई का अंदर मशीन रहता है जहाँ पर जरूरत है वहाँ पर पूरा हॉस्पिटल में इसको, इसको इस्तेमाल किया जाएगा एंड कोविड पेशेंट्स को कोविड आई में रखता है जहाँ पर भी ये पेशेंट का ज़रूरत है जो डॉक्टर ट्रीटिंग कंसल्टेंट डिसाइड करेंगे वो लोग उसके हिसाब से इसको अरेंज करेंगे इसका मेन है एक्सेसरीज जो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं ये कैनुलास पी एल एस सिस्टम ये इसका जो कैनुलास होता है जो ट्यूबिंग सर्क्यूट्स होते हैं वो सब चीज़ें ये सबसे कॉस्टली इसमें मेन प्रॉब्लम ये सर्क्यूट्स हम लोग अरेंज करने का बहुत तकलीफ होता है दिस इज़ कॉल्ड पी सिस्टम पेशेंट लाइफ सपोर्ट सिस्टम इसको ऑलमोस्ट अराउंड टू पॉइंट फाइव सर्क्यूट का खर्चा होता है सो एम्स कोशिश कर रहा है ये सब चीज़ भी पेशेंट्स का अवेलेबल किया जाए

इसको लेकर अभी पेशेंट्स का जान कितना बचाया जा सकता है मतलब कितना चांसेस है बोला गया एक्चुअली ये जो मशीन है पेशेंट को जान ट्रीटमेंट नहीं है ये सपोर्ट है इज द लाइफ सपोर्ट सिस्टम ये पेशेंट को सपोर्ट कर सकते हैं जैसे हम लोग बोल दिए इस मेडिसिन दिया मेडिसिन पेशेंट ठीक हो जाएगा ऐसा नहीं है लाइफ सपोर्ट यूनिट है ये पेशेंट को सपोर्ट दे सकते हैं एक जैसे कोविड का सिचुएशन में एक महीना दो महीना तीन महीना तीन महीने तक भी अभी सिचुएसन आया है कि इकसठ दिन की इस मशीन में सपोर्ट बढ़े कि पेशेंट ठीक हो गया क्सर एक तो एक्सर सिक्सटी वन डेज तो ऐसे भी पेशेंट ये लेफ्ट साइड लेफ्ट को सपोर्ट देता है लंग्स को सपोर्ट लंग्स को रेस्ट देता है टाइम देता है रिकवरी करने में तो, तो उसी के बीच में मेडिकेशन भी चलता वो है वो मेडिकेशन भी चलता है फिर तो उसका ट्रीटमेंट भी चलता है जो ट्रीटमेंट जो मेडिसिन जो चलो वो चलेगा ये ओनली सपोर्ट लंग्स को रेस्ट देता है तो सपोर्ट करता है ये एक्चुअली सपोर्ट मशीन है लाइफ सपोर्ट है कोई ट्रीटमेंट नहीं है ये सपोर्ट लाइफ सपोर्ट है जैसे कि वेंटिलेटर भी सपोर्ट देता है हाँ, उसी तरह से। जैसे तो ये सपोर्ट देता है जो लंग्स खराब हो गया उसको ऑक्सीजन नहीं हो रहा है तो पेशेंट को ऑक्सीजन चाहिए तो ब्लड को बाहर निकालता है अक्सीनेट करते हैं फिर बॉडी में दे देता है पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल ठीक ठाक रहता है बॉडी में okay. जी बहुत बहुत धन्यवाद आम आलोचना जो बा, जो ऑपरेटिंग टीम करमो मेसिन को यी रोगी मानक चिकित्सा करेंगे से मैंने ट्रेन তািম দিয়া যাইছি তবে আগকুক কিছু এমিতি রোগী যে অতি গুরুতর স্থিতি থিব এবং সেম যে মেডিকা টিম সেমানে সে বাছি এবং কাহ একমো মেসিন বা একমো চিকিৎসা দরকার তাকে নিষ্পতি এবং তা পরবর্তী সময় সেমো চিকিৎসা যোগাই দিয়া যাব যা নির্দেশিকা কুলে যে আজ গোটিয়ে সপ্তাহ ভিতরে এর কাজ আর চিকিৎসা আরম্ভ হয়ে তবে আমি আশা করি যে ভুবনেশ্বর এমসর এই প্রথম একমো মেসিন দ্বারা রোগী যে গুরুতর রোগী অনেক কোভিডৰে পীড়িত হৈ থাকোঁ কিান্য কোনো গুৰুতৰ ৰোগেৰে পীড়িত হৈ থাকোঁ সেনে সুস্থ হুন্তু আৰু আগ কু আম মেচিন আছোঁ বুলি আমি আশা কৰা ভূৱনেশ্বৰ কামেৰা পচন প্ৰশান্ত মাহপাত্ৰ অৰ্গষ্ট নিউজ